धार जिले के नालछा में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला करने और खुलेआम दबंगता दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम लुनेरा में सामने आया है। नालछा नायब तहसीलदार रेत विक्रेता के ऊपर कार्रवाई करने पहुंचे थे, तभी ग्राम लुनेरा में 25 से 30 लोगों ने नायब तहसीलदार शिवशंकर जलोरिया से बस सुलूकी की और हाथापाई की कोशिश की। उनकी गाड़ी के पहियों के नीचे पत्थर लगाकर गाड़ी को रोक दी गई। इसके चलते नालछा पुलिस को सूचना दी गई। नालछा पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों के ऊपर कार्यवाही की। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज रेत खदानों पे आपने कुछ न कुछ कार्रवाई की गई है, तो इस पर सर पूरी घटनाक्रम क्या है? माननीय अनुभागीय अधिकारी द्वारा भ्रमण के दौरान जब उन्होंने देखा कि शासकीय भूमि पर रोड के किनारे कुछ लोग बिना लाइसेंस के अवैध रूप से रेत का भंडारण कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, तो माननीय अनुभागीय अधिकारी द्वारा महोदय द्वारा हमारे लिए निर्देश दिया गया था कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो उसी संज्ञान में, उसी संदर्भ में आज जब मैं आ रहा था, अपने ऑफिस आ रहा था, तो एक जो था कि लुनेरा के पास में एक ट्रैक्टर रेत को ले जा रेत को भर रहा था, तो उसके जब उससे पूछा गया कि भैया आप अपना लाइसेंस बताइए और इसके संबंध में जो भी कागज़ हैं वो आप प्रोड्यूस करिए, तो उन्होंने ना कोई कागज़ दिखाए ना कुछ किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे विवाद की स्थिति पैदा कर ली, कुछ लोग इकट्ठे हुए और अवैध व्यवहार किया, तो उसके संदर्भ में फिर पुलिस के लिए कॉल किया गया, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को बुलाने के बाद 3 लोगों पे वो भी कार्रवाई की गई है और कुल मिला के 7 जो रेत के व्यापारी हैं उनके खिलाफ़ आज कार्रवाई की गई है और आगामी कार्रवाई के लिए श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के लिए अपना जो रिपोर्ट है प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।